हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और शुरू करते हैं अपना आज का सेकंड सेशन। आई होप सबको नोटिफिकेशन मिल गई होगी बेटा, ठीक है। और अभी करेंगे कुछ क्वेश्चन, जिसमें स्टार्स के भी क्वेश्चंस होंगे, साइकोलॉजी के भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सभी लोग आ चुके हैं तो एक बार नमस्कार जी, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। बेटा मेरी वॉइस अगर क्लियर आ रही है तो एक बार बता दीजिए जी। ठीक है, ओके जी। और स्ट्रीम को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस अपने। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 मैनेजमेंट से रिलेटेड, कल भी हमने टॉपिक किया था, ठीक। टॉपिक है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, हु यूज दिस टर्म, ठीक। बताइए जरा जल्दी से, मेयो नहीं है और कहीं कहीं पर लिटरेचर में लिखा हुआ है पीटर ड्रकर, बट दिस इज नॉट द आंसर गिवन बाय एनटीए। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स हम बात करेंगे टेलरिज्म, ठीक है, ठीक। सौरभ करेक्ट, टेलरिज्म, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 रिसर्च से यूनिट 6 से रिलेटेड क्वेश्चन है, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स की। देखिए क्या बात कर रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्टैटिस्टिक एंड कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर। सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि स्टैटिस्टिक और पैरामीटर, देखिए आप क्या करते हैं, एक पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन में से छोटा सा सैंपल लेकर के आप करते हैं रिसर्च, और उस सैंपल पर रिसर्च करके अपनी फाइंडिंग्स को जनरलाइज करते हैं पॉपुलेशन पर। नाउ अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड डेविएशन की, अगर हम बात करें सिर्फ एक वेरिएबल की भाई एवरेज एज क्या है, एवरेज एज अगर पूरी की पूरी पॉपुलेशन की हम बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे पैरामीटर, अगर पॉपुलेशन से रिलेटेड है, और सैंपल से बात करेंगे तो उसको बोलेंगे हम सैंपल स्टैटिस्टिक, क्लियर है। अब सैंपल की स्टैटिस्टिक और पूरी पॉपुलेशन की जो स्टैटिस्टिक, पॉपुलेशन की स्टैटिस्टिक को बोलते हैं हम पैरामीटर, इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, राइट, उसको बोलेंगे हम सैंपलिंग एरर, ठीक है, ठीक। अब एग्जाम में आप कंफ्यूज होंगे स्टैंडर्ड एरर और सैंपलिंग एरर। अब सैंपलिंग एरर तो हो गया डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्टैटिस्टिक और कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर। अब समझिए स्टैंडर्ड एरर क्या चीज़ है। देखिए स्टैंडर्ड एरर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन हो सकती है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एनी अदर स्टैटिस्टिक, मीडियन हो सकती है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ परसेंटाइल हो सकती है। स्टैंडर्ड एरर का क्या लेना देना है, इट इज़ इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ द एन। एन होता है यहाँ पर आपका सैम्पल साइज, एन इज सैम्पल साइज, क्लियर है इतनी चीज़, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो यहां से एक चीज क्या निकल के आई कि अगर आपको स्टैंडर्ड एरर अगर कम रखनी है तो सैंपल साइज ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा, मोर एंड मोर सैंपल साइज। नेक्स्ट पर आइए, क्या बोलता है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक के लॉज प्राइमरी सेकेंडरी आपने पढ़े होंगे, ठीक है, इज नियरर टू स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड। अब स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग में आता है रीइंफोर्समेंट, ठीक ठीक, जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इज रिलेटेड टू स्किनर, ठीक है जी। अब देखो रीइंफोर्समेंट से क्या हो रहा है, और यहां पर इनसे देखिए लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज या लॉ ऑफ इफेक्ट जी। रीइंफोर्समेंट से वो बिहेवियर और ज्यादा मजबूत होता है, या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है तो उस बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी और कम
कम और कम होती जाती है, ठीक है। अब देखो दोनों में सिमिलैरिटी किसके अंदर है, तो ये चीज हमें कहाँ पे मिलेगी, लॉ ऑफ इफेक्ट में मिलेगी, या जिसको बोलते हैं प्रभाव का नियम, ठीक, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज रिलेटेड विद द गिल्डफोर्ड्स थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। गुड इवनिंग जी, सभी को नमस्कार। चलिए समझते हैं जरा इस चीज को। देखो आपके पास इंटेलिजेंस में, इसमें थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, जरा इसको समझ लेते हैं। कितने लोग हैं जो इस थ्योरी को समझना चाहते हैं, जरा बता दीजिए, अभी समझा देता हूँ यहीं पर ही। देखो गिल्डफोर्ड का थ्री डायमेंशनल मॉडल भी बोलते हैं इसको, हम स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। आपने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी हैं इंटेलिजेंस में, उसमें आपने कुछ पढ़ी हैं फैक्टर थ्योरीज, ठीक, और कुछ पढ़ी हैं आपने प्रोसेस थ्योरीज, सबसे पहली चीज, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरी तो नहीं है ये, ठीक, ये है एक प्रोसेस थ्योरी। प्रोसेस थ्योरी का क्या मतलब है, जो इस तरीके से काम करती है, इस तरीके से बुद्धि की विवेचना करती है कि भाई किसी भी पर्सन का जो इंटेलेक्ट है वो काम किस तरीके से करता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक। हेलो स्वाति। अब गिल्डफोर्ड क्या बोलते हैं, गिल्डफोर्ड ये बोलते हैं कि बुद्धि को या इंटेलिजेंस को या इंटेलेक्ट को काम करने के लिए तीन टोटल डायमेंशंस होते हैं। जैसे कि सपोज करिए आपको एक, आपको कोई भी खाना बनाना है, ठीक है, तो आपके पास में है रॉ मटेरियल, ठीक, कोई भी हो सकता है रॉ मटेरियल, किसी भी चीज़ की सब्जी बना रहे हैं तो वो हो सकती है लौकी, तुरी, घिया, टिंडे, आलू हो सकते हैं, बैंगन हो सकते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका रॉ मटेरियल। अब आप कोई ना कोई विधि का प्रयोग करेंगे, समझिएगा ध्यान से, आप तंदूर का यूज़ कर सकते हैं, गैस का यूज़ कर सकते हैं, चूल्हे का यूज़ कर सकते हैं, दम लगा के बना सकते हैं, ठीक, उबाल के बना सकते हैं, ये हो गया एक प्रोसेस, ये हो गई एक प्रक्रिया जिसको आप रेसिपी बोलते हैं। उसके बाद में आपके सामने कुछ तैयार सामान आता है जिसको आप खाना बोलते हैं, मतलब ये हो गया बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट। तो ये जो रॉ चीज़ है इसको बोला उन्होंने, इसको बोला उन्होंने कुछ कंटेंट, कि कोई भी काम करने के लिए कोई कंटेंट होगा, ठीक है, और कंटेंट के बाद में कुछ प्रोसेस होगा, और उस प्रोसेस का यूज़ करके आप कुछ प्रोडक्ट रखेंगे, क्लियर है इतनी चीज़। अब इसी को हम थ्री डायमेंशनल मॉडल भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये तीन चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है जी, ठीक। प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑपरेशन, ठीक, आपके पास कंटेंट, और इससे कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं और बहुत लोगों को गलत इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड। फिर आता है आपके पास में प्रोडक्ट। अब किस कैटेगरी में कितने आते हैं इसको जरा एक बार हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले समझते हैं हम कि कंटेंट क्या चीज़ हो सकती है। कंटेंट का मतलब ये हुआ कि कोई भी फील्ड या कोई मैटर जिसके ऊपर ऑपरेशन किया जाना है, जिसके ऊपर ऑपरेशन किया जाना है, ठीक है, ठीक। अब ये कंटेंट क्या हो सकता है, ये कंटेंट विजुअल हो सकता है, ये कंटेंट ऑडिटरी हो सकता है, मतलब कि दृश्यात्मक हो सकता है, श्रव्यात्मक हो सकता है, ये कंटेंट सिमेंटिक हो सकता है, ठीक, सिमेंटिक का मतलब है अर्थ विन्यास, क्लियर। ये कंटेंट सिंबॉलिक हो सकता है, ठीक, मतलब सांकेतिक हो सकता है, जैसे कि कंटेंट बेस्ड ऑन सिंबल्स हो गया, साइंस हो गया, जैसे कि इंग्लिश के अल्फाबेट, हिंदी के अल्फाबेट, कोई लैंग्वेज के अल्फाबेट, क्लियर है। या ये कंटेंट बिहेवियरल हो सकता है, व्यवहारात्मक हो सकता है, ठीक है जी। कितने हुए टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 5। ध्यान रखिएगा अभी इनसे भी क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। अमरदीप तबीयत ठीक है मेरी, नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अरे रेस्ट की चिंता मत करो भाई, ऐसे कुछ नहीं होना, ठीक है, काम करके जो मज़ा मिलता है वो किसी चीज़ में नहीं। बुशरा यही कन्फ्यूज़न दूर कर रहा, थोड़ा पेशेंस के साथ में समझ लो जरा इसे बेटा। कितने हो गए, ये 5 हो गए,
राइट ममता, 180 होगा। हाँ जी, तो अब ये अलग अलग तरीके के कंटेंट हो गए, विजुअल, ऑडिटरी, सिमेंटिक, सिंबॉलिक या बिहेवियरल। ठीक, अब ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं इनके ऊपर, ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो ऑपरेशंस में वो सारी की सारी क्रियाएं आ गई जो कि बुद्धि करने में सक्षम है, जैसे कि कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक, अपसारी चिंतन जिसको बोलते हैं, अभिसारी, डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब कि अपसारी चिंतन, ठीक, जो कि मल्टीपल सॉल्यूशंस में काम आती है। देन इवैल्यूएशन है हमारे पास, मूल्यांकन, कॉग्निशन है, ठीक, क्लियर इतनी चीज। उसके बाद में है मेमोरी। अब बहुत सी बुक्स में सिर्फ मेमोरी लिख करके छोड़ा हुआ है, बट जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है इसमें मेमोरी से रिलेटेड दो चीजें हैं हमारे पास, एक है मेमोरी रिकॉग्निशन और दूसरा है मेमोरी रिटेंशन। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो टोटल कितने हो गए यहां पर, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 कैटेगरीज हो गई आपकी ऑपरेशन के साथ में। अब आते हैं हम प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है जी, प्रोडक्ट क्या चीज हो सकती है। अब प्रोडक्ट में आपको नॉलेज मिलेगी कोई ना कोई, ठीक है, ठीक। अब ये नॉलेज की कोई सिर्फ एक यूनिट हो सकती है, इट मे बी अ सिंगल यूनिट ऑफ नॉलेज, इट मे बी ए क्लास ऑफ नॉलेज, ठीक। क्लास का मतलब क्या हुआ कि जो प्रेजेंट आउटपुट है वो इस तरीके से है कि अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स या कैटेगरीज में मिला है आपको, ठीक। देन इन कैटेगरीज के बीच में रिलेशन हो सकता है, रिलेशंस हो गए, संबंध जिनको बोलते हैं। फिर पूरा का पूरा सिस्टम हो सकता है, मतलब संगठन, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, रूपांतरण जिसको बोलते हैं, या कोई ना कोई चीज की इम्प्लीकेशन हो गई। अब देखो इसमें कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेटा, 6 हो गए आपके पास में प्रोडक्ट। अब ध्यान से जरा ये समझो, ये जो 120, 150 और 180 का क्या सीन है आज की डेट में, बिकॉज पुराने आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे होंगे, वहां भी कहीं जगह पर 150 आंसर दे रखा है, 120 दे रखा है। अब एक बात देखो, अकेले विजुअल के ऊपर, अकेला सिर्फ विजुअल अगर कंटेंट है तो इस एक के ऊपर 6 पॉसिबिलिटीज यहां पर हो गई, 6 पॉसिबिलिटीज यहां पर हो गई। एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ, हाँ जी, तो 6 पॉसिबिलिटीज यहां पर हो गई, 5 यहां पर हो गई, 6 यहां पर हो गई। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 6 × 5, बिकॉज इतने सारे कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं आपको, तो कितना हो गया टोटल मिला करके, टोटल मिला करके हुआ 180। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, ठीक, ध्यान रखिएगा, क्लियर है इतनी चीज, ठीक। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्याजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपने पढ़ी, ठीक, और अब आपसे पूछा जाए कि राइट और डिस्कस इट्स यूज इन क्लास और हाउ टू मेक क्लासरूम टीचिंग बेस्ड ऑन प्याजेस पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब यहां पर ये हुआ आपका एक एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट, जहां पर इम्प्लीकेशन हो रही है किसी न किसी मेंटल एबिलिटी की, अंडरस्टूड। तो ये हुआ एक तरीके से प्रोसेस और प्रोसेस थ्योरी है। अब क्लियर हुई ये चीज बेटा, साइकोलॉजी डिटेल में पढ़ाने का इतना ना तो टाइम मिला अभी। चलिए अब इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब यहां पर उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था कि कौन सा इसमें नहीं है, तो ऑपरेशन है, कंटेंट है और है प्रोडक्ट, प्रोसेस इसका पार्ट नहीं है। समझ में आई चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट डिस्क्राइब्स द एवरेज कोरिलेशन ऑफ ऑल स्प्लिट हाफ कोरिलेशंस एंड कैन बी अप्लाइड व्हेन देयर आर वन और मोर टू ऑप्शंस टू ईच आइटम। क्लियर है, क्या करते हैं इसमें, सीधा सा आंसर है इसका,
मैंने सारे मेथड आपको बताए हुए, KR20 कैसे यूज़ करते हैं, 21 कैसे यूज़ करते हैं, रिलायबिलिटी इंटर रेटर कैसे निकालते हैं, और ये जो सिचुएशन है इसमें हम करेंगे क्रॉनबैक अल्फा। क्रॉनबैक अल्फा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 86। एक लैंग्वेज क्लासरूम में, मतलब टीचर जो पढ़ा रही है वो लैंग्वेज पढ़ा रही है, ठीक है, और टीचर सिर्फ सिर्फ क्या कर रही है, इज मियरली पॉइंटिंग आउट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ा रही है मैडम जी? नाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ा रही है, ठीक, और सिर्फ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच की सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस बता रही है। कौन से लेवल पे पढ़ा रही है? मेमोरी पे तो नहीं पढ़ा रही, और रिफ्लेक्टिव पे भी नहीं पढ़ा रही, ठीक, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पढ़ा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए जी। फॉर मॉडिफाइंग टीचर बिहेवियर विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज हैज बीन सपोर्टेड बाय रिसर्च एविडेंस। टीचर बिहेवियर, टीचर ट्रेनिंग, टीचर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है आपका। बेटे क्वेश्चंस तो आप बुक से भी कर लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ बता दीजिएगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 87। मोस्टली इंटरेक्शन एनालिसिस प्रोसीजर या इंटरेक्शन एनालिसिस अप्रोच, और जिसमें हमने अभी पढ़े क्या, एक तो हमने पढ़ा गैलवे, और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा, फ्लैंडर्स। नेक्स्ट पर चलिए, 88। क्या है क्वेश्चन? टाइप वन एरर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कमिट कर रहा है, तो क्या कर रहा है वो? टाइप वन एरर का सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है? टाइप वन एरर का सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है भाई? रिजेक्टिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, यही होता है ना, बताइए फटाफट। नहीं 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 नहीं, ये तो मैंने कितने बार बताया है, टाइप वन एरर मींस रिजेक्शन ऑफ ए नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, एंड टाइप टू एरर एक्सेप्टेंस ऑफ ए नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, ठीक। अमरदीप कराएंगे, सभी पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, 89th क्वेश्चन क्या बोलता है? जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट रिलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस जिसको हमने बोला, हमने पढ़ा जॉब एनालिसिस, ठीक है, कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं उससे रिलेटेड। फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, जॉब एनालिसिस हेल्प्स इन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड जॉब एफिशिएंसी। जॉब एनालिसिस डिफाइंस क्लाइंट नीड्स इन स्पेसिफिक टर्म्स। जॉब एनालिसिस असिस्ट इन नोइंग द पर्सनल स्पेसिफिकेशंस ऑफ वेरियस जॉब्स। सेवेंथ, 1, 3, 6 और 7, कौन सा हुआ आंसर? परफेक्ट। नेक्स्ट पर चलें जी, बताइए इसका। ये मैंने आपको टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन में रिसर्च में एक वीडियो है वहां पर डिटेल में कराया है ना, वहां इंटरव्यू भी कराया आपको, और भी चीजें कराई हैं। बेटे जरा आपको लग रहा है कि ये जो मैं टाइम दे रहा हूं आपके काम का है, तो यार जरा लाइक जरूर किया करो, मुझे बार बार बोलना पड़ता है आप लोगों से, मतलब ऐसे वो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये आप अपने आप समझ लो, ठीक है। हाँ जी, 90, सिग्निफिकेंट एपिसोड्स इन स्कूल लाइफ, यस करेक्ट। और देखिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड तो है ही है। इस बार हमने क्या क्या पढ़ा? इस बार हमने रूब्रिक्स पढ़ा है, इस बार हमने पीयर असेसमेंट पढ़ा है,
और इस बार हमने रिफ्लेक्टिव जनरल पढ़ा है, जिसके ऊपर मैं क्वेश्चंस आपको करा चुका हूँ और फिर से कराऊंगा नए नए टॉपिक्स के सारे क्वेश्चंस किसी को इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको डिटेल में जाननी है तो यूनिट 7th के लास्ट वाले वीडियो में जाइए जरा प्लेलिस्ट में जा करके। नेक्स्ट पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता जी किसी भी टेस्ट की। देखो कितने सारे क्वेश्चन मॉर्निंग में और अभी भी हमने किए रिलायबिलिटी वैलिडिटी के, अब टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए, बताइए जरा। इट इज अ कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट विद इटसेल्फ, यस इट इज रिलायबिलिटी, ठीक। इट वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल, ऑफ कोर्स इट मे वेरी फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। हाई रिलायबिलिटी हाई वैलिडिटी, नहीं कोई लेना देना नहीं। नॉट इफेक्टेड बाय साइज ऑफ द सैंपल, यस इट इज इफेक्टेड बाय द साइज ऑफ द सैंपल। बताइए आंसर क्या होगा। 5 पर क्यों जा रहे हो आप? 5 तो ऐसा कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हाई रिलायबिलिटी इंश्योर्स हाई वैलिडिटी, रादर उल्टा होता है कि वैलिडिटी इंश्योर्स रिलायबिलिटी, राइट? करेक्ट आंसर्स आने लगे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोलता है? देखिए आपके पास में एक न्यूमेरिकल आ गया, इसका आंसर निकालिए। और ये क्वेश्चन मैं आपको सेम टाइप का क्वेश्चन मैं आपको जनरल पेपर में भी करा चुका हूँ, ठीक। देखो क्या करते हैं इसमें, क्वेश्चन क्या है, एक क्लास टेस्ट है जहाँ पर मीन फॉर साइकोलॉजी वॉज, हम इधर लिख लेते हैं साइकोलॉजी और दूसरा सब्जेक्ट क्या है मैथ्स। चलिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन फॉर साइकोलॉजी वॉज 45 एंड SD वॉज 5, वाइल फॉर मैथमेटिक्स इट वॉज 80 एंड SD वॉज 5। अब एक बच्चा है विपिन कुमार, उसको 50 नंबर मिले हैं साइकोलॉजी में यहाँ पर, तो यहाँ का रॉ स्कोर कितना हो गया 50 और 70 हो गया मैथमेटिक्स का। किस सब्जेक्ट में उसने बेटर परफॉर्म किया है, किस सब्जेक्ट में बेटर परफॉर्म किया? अरे भैया इतनी जल्दी तुमने सॉल्व भी कर लिया या क्वेश्चन बैंक लेकर के बैठे हुए हो? करो जरा, ठीक है। तो बेटा ध्यान से समझ लो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं जेड स्कोर निकालते हैं, ठीक है। तो जेड स्कोर यहाँ पर कैसे निकालेंगे, इसका जेड स्कोर हो जाएगा एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा, तो मतलब 50 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया, प्लस का 1 सिग्मा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 70 माइनस 80 डिवाइडेड बाय अगेन 5 कितना आया, माइनस 10 अपॉन 5, इट मीन्स माइनस 2 सिग्मा। तो बेटा कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, प्लस 1 सिग्मा माइनस 2 सिग्मा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसमें बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ये ध्यान रखना कैसे करते हैं जेड स्कोर नॉर्म्स की। नॉर्म्स इन इवेल्युएशन के नाम से एक वीडियो है, वहाँ पर आपको सारी नॉर्म्स, टी स्कोर कैसे निकालते हैं, जेड स्कोर कैसे निकालते हैं, स्टेनाइन कैसे निकालते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। सो क्या आंसर हुआ, क्या आंसर होगा इसका, आंसर होगा 4th चॉइस, दैट ही हैज़ डन बेटर इन साइकोलॉजी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, ये भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी स्टैंडर्ड डेविएशन और कोई भी सिग्मा, कोई भी मीन, अगर हम सारे के सारे डेटा में कुछ भी ऐड करेंगे या माइनस कर देंगे, ठीक, तो क्या होगा, या हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय द सेम नंबर तो SD पर क्या असर पड़ेगा, या हम डिवाइड करेंगे तो क्या असर पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको इसका आंसर मालूम होगा, क्वेश्चन नंबर 93, बताइए जरा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के वीडियो में मैंने इसका पूरा डिटेल समझाया विद डेरिवेशन जी। स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर तो ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा या डिक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो SD तो रहेगा 8, ठीक। 8 किस किस में, इसमें और इसमें, ये दो चॉइस आपकी निकल गई। दूसरा, मीन के ऊपर ऐड करने का या माइनस करने का, सबट्रैक्ट करने का असर पड़ेगा
जब हम ऐड करेंगे, ठीक। तो यहाँ डिक्रीज हो गया, तो 43 में से 5 डिक्रीज कर दीजिए, 38 फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है जी। जो लोग पहली बार समझ रहे इसको, कॉन्सेप्ट समझिएगा। नेक्स्ट पर चले, 94th, इन ऑर्डर टू बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ चिल्ड्रन ग्रो एंड लर्न, टीचर ट्रेनी शुड बी एक्सपोज टू अ कोर्स इन, मतलब टीचर ट्रेनीज को किस में, भाई सबसे इजी क्वेश्चन है 94, सबसे इजी क्वेश्चन है 98, तो मैंने अभी कराया भी नहीं है, हम पहुंचे भी नहीं है 98 तक। हाँ जी, सबसे इजी क्वेश्चन है 94, बताइए। थर्ड सी, यस, एजुकेशनल साइकोलॉजी वो चीज है जहां जो कि डेवलपमेंटल फेजेस से, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से, ठीक, या जिसे हम बोल देते हैं, देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी दो अलग अलग विधाएं हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, ये सारी की सारी चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं हाउ ए चाइल्ड ग्रो एंड लर्न, लर्निंग थ्योरीज की, तो सीधी सी बात है। नेक्स्ट पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 95, कोई बात नहीं नमिता, क्वेश्चन नंबर 95, एजुकेशन एंड फिलोसफी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्रेस द रिलेशनशिप, क्वेश्चन नंबर 95 बता दो एक बार। कोई पहुंचा है 95 तक? आपकी स्क्रीन पर है ना 95th क्वेश्चन? जी करेक्ट। चलिए मैं कराता हूं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, द ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स ऑफ एजुकेशन हैव टू बी डिसाइडेड बाय आर स्टैंड ऑन द नेचर ऑफ मैन, यस, इसीलिए हम मेटाफिजिक्स पढ़ते हैं, एपिस्टेमोलॉजी पढ़ते हैं, हर एक फिलोसफी का, फर्स्ट इज करेक्ट। लर्निंग, थर्ड पर आइए, एजुकेशन शुड बी लाइफ इटसेल्फ रादर देन प्रिपरेशन फॉर लिविंग, यस, ये गुड। फर्स्ट और थर्ड किस किस में आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड यहीं पर ही काम बन जाता है आपका सबसे पहली चीज, ठीक है, ठीक, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट आ जाएगा फिफ्थ, आपका बन गया चॉइस नंबर टू, चॉइस नंबर टू, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, अगेन फिर से स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, और सॉल्व करके जवाब दीजिएगा, सॉल्व करके देखिए क्या है। एक स्कूल प्रिंसिपल ने स्पेलिंग टेस्ट लिया, वैसे तो टीचर लेना, चलिए कोई बात नहीं। सैंपल था हमारे पास 256 स्टूडेंट्स का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स एनपीसी के फॉर्म में हो गया, ओके वेरी गुड। मीन कितना है, एम इक्वल्स टू 42, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है 8 पॉइंट्स का, प्रोबेबिलिटी इज 0.95, मतलब 0.05 आपका आ गया फिड्यूशरी, आपका आ गया सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक, या कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब उसके ऊपर जो आपकी लिमिट है, आप क्या करते हैं वहां पर, मैं आपको फिर से बता दूं, कल मैंने बोला था 1.96 प्लस माइनस से मल्टीपल करना, ठीक है, 1.96 होता है, और अगर 0.01 होता तो 2.58, ये अगर आपने पढ़ाई किया है तो आपको इतने, तो ये दोनों वैल्यूज आपको ध्यान आ रहे होंगे। नाउ क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का, बिकॉज जो लिमिट्स ये निकलता है उसका फॉर्मूला है एम प्लस माइनस 1.96 इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो सबसे पहले एस सी एम कैलकुलेट करूं, कैसे होगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन, सिग्मा कितना है 8, अंडर रूट करूंगा 256 का तो क्या मिल जाएगा 16, कितना आ गया वैल्यू आ गया 0.5, क्लियर है इतना चीज, ठीक है। अब
ये जो लिमिट्स हैं इसने क्या पूछा, दैट द मीन कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन वुड बी लेस देन द अपर लिमिट। तो लोअर और अपर लिमिट निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये मीन कितना है 42 प्लस माइनस 1.96 इनटू मल्टीप्लाई किससे करूं 0.5। अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जिसको ये नहीं मालूम है कि 1.96 कैसे आया है, तो एक बार जाके वीडियो देखो, 1.96 और 2.58 ये फिक्स्ड वैल्यूज है, 2.58.01 लेवल पर, 1.96.05 लेवल पर। करिए जरा इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक बार आया हमारे पास 42 प्लस 0.98 हो गया, सो इट इज 42.98। दूसरा 42 माइनस 0.98 कितना हो गया 41.02। ये हुआ लोअर और ये हुआ अपर, ये हुआ अपर लिमिट। क्लियर है, क्या आंसर आ रहा है, चॉइस में क्या मिल रहा है आपको, देखो अब ध्यान से। उच्चतम उसने पूछा ना, अपर लिमिट क्या होगी, उच्चतम स्तर क्या आया उसका 42.98, दिस इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट। क्लियर है, मैं देखूं जरा किसी ने सही आंसर दिया था, 96 कोई दिया ही नहीं। चलिए अब ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ, चलिए आगे चलें, बड़े न्यूमेरिकल क्लियर हो गया, नेक्स्ट पर चलिए। 97th क्वेश्चन, स्कूल हेडमास्टर है, कंडक्ट करता है एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम फॉर इंप्रूविंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, ओके ठीक। अब किस तरीके का इवैल्यूएशन करते हुए ऐसा काम करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग प्रोग्राम है तो ड्यूरिंग द प्रोसेस मतलब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हुआ। नेक्स्ट पर आइए, क्वेश्चन नंबर 98, जी धनंजय जी देखने जो दो जरा मेरे को एक बार, एक्चुअली भाई मेरा चश्मा मिला नहीं है, ठीक है चलिए मैं देखता हूँ। आपने 95 का 2 दिया है, उसके बाद में आंसर आपका नहीं आया है, आपका आंसर हो रहा है, शो हो रहा है, चलिए ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन है फ्राइडियन फॉर्मुलेशन या सिगमंड फ्राइड, इस बार आपके सिलेबस में तो नाम दे करके है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच मेमोरीज और थॉट्स आर रेडिली एसेसिबल, क्या बोलते हैं इसको जी, कॉन्शियस होगा अनकॉन्शियस होगा, जहां रेडिली अवेलेबल है वो अनकॉन्शियस तो नहीं हो सकता, ठीक। So you have pre-conscious and supraconscious and conscious. So it is pre-conscious where it is readily available. Clear है? चलिए next पर चलिए, question number 99 क्या बोलता देखो जरा। हर्ज़र्ब का model of motivation से related question जो कि December 18 में था। In education, which of the following will be called a motivation factor? किसको बोलेंगे मोटिवेशन फैक्टर, क्वेश्चन नंबर 99 जी। वर्किंग कंडीशन ऑफ द स्कूल, नहीं। गुड सुपरविजन, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर्स, नहीं। इट विल बी रिकॉग्निशन ऑफ स्टूडेंट्स वर्थ, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। और आप लोग देखो एक बात देखो, अगर कहीं से आपने पढ़ा भी है या कहीं से पढ़ करके आंसर बता रहे हैं, तो ये देखो वहाँ पर ये कौन से नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है। हर्ज़बर्ग मॉडल ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेटिंग फैक्टर जो होगा दैट इज रिकग्निशन ऑफ स्टूडेंट्स वर्थ जी। क्वेश्चन नंबर 100 आज का आखिरी क्वेश्चन, बताइए जरा आंसर करिए इसको, बहुत ही
इजी क्वेश्चन है जी। एक टीचर है, लिस्ट प्रिपेयर करता है ऑफ लेटेस्ट अराइवल्स इन द वेरियस लाइब्रेरीज ऑफ द कॉलेज ऑफ ए यूनिवर्सिटी। अब ये जो लिस्ट है इसमें नंबर ऑफ बुक्स लिखी उसने, ठीक है। नाउ विच ऑफ द मेजरमेंट स्केल इज इम्प्लाइड इन दिस। क्यों भाई ये हाँ ठीक है। देखो सपोज कोई बुक है उसकी एंट्री नहीं करी तो वहां पर जीरो है ना उसके सामने, समझो जरा ध्यान से, जीरो है ठीक। तो यहां पर जहां पर एब्सोल्यूट जीरो शामिल होता है उसको बोलते हैं हम रेशियो स्केल, रेशियो स्केल, गॉट इट ठीक है। द करेक्ट आंसर इज रेशियो स्केल। मैंने आपको ऑर्डिनल, नॉमिनल, इंटरवल और रेशियो सारा बताया हुआ है, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। नॉमिनल इज रिलेटेड विद क्लासिफिकेशन ओनली, जैसे कि आपके रजिस्टर में, अटेंडेंस रजिस्टर में आपके नंबर लिखे होते, ठीक है। देन ऑर्डिनल इज हैविंग क्लासिफिकेशन प्लस अ ऑर्डर और रैंकिंग। देन इंटरवल इज हैविंग क्लासिफिकेशन प्लस रैंकिंग प्लस इक्वल इंटरवल्स। इसके ऊपर एक फुल फ्लैश वीडियो दिया हुआ है। नाउ दिस रेशियो, रेशियो इज हैविंग ऑल दीज थ्री, मींस क्लासिफिकेशन भी है, रैंकिंग भी है, इक्वल इंटरवल्स भी है, लेकिन साथ में यहां पर एब्सोल्यूट जीरो भी है। नाउ व्हाट इज दिस एब्सोल्यूट जीरो? देखो सपोज हम ये कहें कि हम एक वेरिएबल लेते आई क्यू, तो हम ये नहीं कह सकते कि आई क्यू जीरो है ना, क्लियर? कुछ ना कुछ तो उसको आता ही होगा। अगर कोई डम एंड डेफ है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका कम्युनिकेशन एकदम जीरो है, कम्युनिकेशन इज नॉट जीरो, क्लियर है। दूसरा हम यहां पर ये नहीं कह सकते कि अगर कोई 140 आईक्यू का बच्चा है तो वो 70 आईक्यू के दो स्टूडेंट्स का बराबरी कर लेगा, ये हम नहीं कह सकते, दिस इज इंटरवल स्केल, ओके ओके। बट अगर 140 केजी का कोई स्टूडेंट है ठीक, तो वो 70 प्लस 70 केजी के इक्वल होगा, बिकॉज यहां पर एब्सोल्यूट जीरो प्रेजेंट है, इधर एब्सोल्यूट जीरो का कोई मीनिंग नहीं है, थिंग्स आर रिलेटिव, सो दिस इज इंटरवल स्केल, क्लियर है? मैंने कर दिया एक्सप्लेन, क्लियर है जी। चलिए गाइस ये थे, अभी तक हम टोटल 10 क्वेश्चंस कर चुके, ठीक है। टेन क्विज में हमने 200 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक। इनको एक बार जिसने नहीं देखा है जरूर देख लीजिएगा, ठीक। और अगर आपका इंटरेस्ट है तो मेरे को बताओ कि क्या 10 क्विजेज और लाने की जरूरत है, बता दीजिए, बिकॉज क्वेश्चंस तो बहुत हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक। डी मॉडल नहीं, एडी मॉडल होगा, ठीक। अब करा दीजिए तो उसके लिए कोई मोटिवेशन होना चाहिए ना, देखो है ना, शेयरिंग करो, आप लाइक करो, ठीक। चलो ठीक है गाइज, मिलते हैं शाम को, रात को मिलते हैं 9 बजे, 8:30-9 बजे के आसपास, फिर से लेके आएंगे कुछ 20 क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ऑन फिलॉसफी, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, ऑन मैनेजमेंट एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, और रिसर्च और स्टैट्स तो करेंगे करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।